बेटी है। कितने लोग सौरभ कर को जानते हैं? कितने लोग, कितने बच्चे? गुड। और शायद सभी की क्लासेस में सर आए थे, लेकिन आपको सर बहुत प्यार करते हैं और आप भी सर को बहुत प्यार करते हैं। आपसे सर बहुत इंप्रेस भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे सारे बहुत ही अच्छे हैं, ओबीडियंट हैं और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तो सर ने कहा कि मैं एक स्पेशल सेशन भी लूंगा सारे बच्चों का और कुछ स्पेशल इन्हें देना चाहूंगा। तो लेट्स वेलकम सौरभ सर, देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। आइए सर। लगाकर करें, मुस्कान के साथ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। गणेश जी की स्तुति करता हूं, शारदे मैया को नमन करता हूं। पलकें झुकाकर मैं आप सभी का बड़ा भाई सौरभ जैन एक बार पुनः पुनः हमारे भारत देश के नंबर वन रियल इंटरनेशनल मथुरा विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आज की हमारी इस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में बहुत 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 स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अपने दिल के असीम गहराइयों से मैं आप सभी का बड़ा भाई सौरभ जैन एक बार पुनः पुनः रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर को बहुत 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 धन्यवाद कहते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी हाईली एजुकेटेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड, मोटिवेटेड, सुपर एनर्जेटिक और एक्टिव टीचर्स को सत सत नमन कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आप सभी छोटे भैया बहनों को जय हिंद बोलता हूं, नमस्ते कहता हूं। बच्चों यदि कबूल हो तो हमारे लिए नहीं एक बार अपने लिए घनघोर तालियां बजा दो। मैं आज की हैप्पीनेस की तीन बातें आप सभी के नाम करता हूं। लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड और बच्चों मैं सच बता रहा हूं आप सभी को, आज हमें आप सबसे मिलकर लगा है वेरी वेरी गुड। इंटेलिजेंट है हमारे रियल इंटरनेशनल स्कूल का एक एक बच्चा और सच में आज हमें आप सबसे बातें करके लग रहा है बहुत ही अच्छा। चावल को इंग्लिश में कहते हैं बर्फ होती है आइस और सच में आज हमें आप सभी से सुबह सुबह मिलके लग रहा है वेरी वेरी नाइस। बागों में फूलों की रखवाली करता है माली, सुबह सुबह कहता हूं मैं जय मां काली। मेरे प्यारे छोटे भैया बहनों भूल कर भी मत देना कभी गाली, किसान उगाता है खेतों में हरियाली, लौट चुकी है देश में अब दोबारा से खुशहाली। हमारे रियल इंटरनेशनल स्कूल की सभी बच्चों की बात है निराली, अच्छी लगी बात एक बार दोबारा बजा दो भाई अपने लिए जोरदार ताली। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर माननीय पीएम मोदी जी तक देश दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं, जब इन सभी की ऑटोबायोग्राफी देखी गई तो तीन कॉमन हैबिट्स ऐसी थी जो सभी में पाई गई। प्यारे बच्चों वो तीन कॉमन हैबिट्स अगर हम सभी अपने जीवन में उतारे तो हम भी उनके जैसा बन सकते हैं, गुड, ग्रेट एंड गॉर्जियस। हमारे जीवन में भी लग सकते हैं चार चांद, हम ना केवल अपने एकेडमिक एग्जाम में बल्कि लाइफ के हर एग्जाम में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और रिपोर्ट कार्ड में हर बार अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं और अपने से बड़ों का ज्यादा प्यार अपने जीवन में पा सकते हैं। तो बच्चों दूर दिल्ली से आज मैं आप सबके लिए तीन बूस्टर लेकर आया हूं। पहले बूस्टर के लिए सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव एंड डू डेली बात। बच्चों इस बूस्टर पे अभी तक सोशल मीडिया पे अनगिनत वीडियो बन चुकी हैं, हजारों लेखकों के द्वारा लाखों पन्ने लिखे जा चुके हैं। दोबारा बोलो सारे बच्चे मिलके ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव एंड डू डेली बात। बच्चों आज से शिकायतें करना बंद, आज से शिकायतें करना बंद, जोर से बोलो आज से शिकायतें करना, आज से दूसरों में कमियां ढूंढना, आज से दूसरों में डिसक्वालिटीज देखना, आज से दूसरों की कंप्लेंट करना, आज से दूसरों की निंदा या दूसरों की चुगली करना, आज से दूसरों को परेशान या दूसरों को तंग करना, जब इतना सारा बंद तो बसंत ऋतु के इस पावन अवसर पे जबकि महाशिवरात्रि भी आने वाली है तो आज से क्या नया शुरू करना है, आज से दूसरों की तारीफ करना शुरू, आज से दूसरों की तारीफ करना जोर से बोलो, आज से दूसरों की तारीफ करना, आज से दूसरों को धन्यवाद देना, आज से दूसरों को थैंक यू सो मच कहना, आज से दूसरों को सपोर्ट करना, आज से दूसरों में क्वालिटीज देखना, आज से दूसरों की हेल्प करना, आज से ज्यादा एक्टिव होना, आज से बड़ों की सारी बातें मानना। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं और जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं तो जो हमारे मुख्य यानी जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है वो सारे के सारे छूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला, कोई बात नहीं। मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला, जोर से बोलो, मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला। पापा जी रात को गलती से किताब लाना भूल गए। बड़े भाई ने बाजार से ब्रेड लाने से मना कर दिया। छोटी बहन ने गलती से मेरे कमरे में पानी फैला दिया। अम्मा बाबा ने बिना मुझसे पूछे मेरी कॉपी के 4 पन्ने फाड़ दिए। सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कम मिला। दोपहर के लंच में हमारे मनपसंद की सब्जी नहीं मिली। शाम को चाय बनी, सब में बटी, लेकिन चाय कम पड़ गई इसलिए मुझे नहीं मिल पाई। रात का डिनर 7 बजे की जगह 8:15 बजे मिला। घर में 2 की जगह 4 मेहमान आ गए। हमारे स्कूल में हमारे टीचर जी ने हमारी ही गलती पे हमको थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट दे दी। बच्चों आप मेरी फीलिंग समझो, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। हमको हमेशा धन्यवाद देना है, शिकायत नहीं करनी है। एंड ऑलवेज बी एक्टिव। देश दुनिया के सारे महापुरुष जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, 18 घंटे काम और 6 घंटे आराम। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर है माननीय पंकज जी, वो भी यही कर रहे हैं। और आपके सारे स्कूल के टीचर्स, आदरणीय डायरेक्टर सर, सारे देश दुनिया के महापुरुष यही काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम और 6 घंटे आराम। लेकिन आप सभी बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, तो अभी आप सभी के लिए कुछ वर्षों के लिए 2 घंटे की छूट है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए फॉर्मूला एक ही है, ऑलवेज बी एक्टिव। तो सारे बच्चे मिलकर बोल दो, 16 घंटे काम, 8 घंटे आराम। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने अपनी लैब में घड़ी नहीं लगवा रखी थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर मैं अपनी लैब में घड़ी लगा दूंगा तो मैं बार बार घड़ी देखूंगा और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो जब वो प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते थे तो वो घंटों घंटों उस प्रयोग को करने में खो जाते थे। तुलसी जाति से 2 भाइयों ने पूछा, अरे भाई साहब यहाँ से अभी अभी कोई बारात निकली है क्या, जबकि बारात वहीं से निकली थी। तो तुलसीदास जी बड़े विनम्रता से बोले कि महाराज मैं तो अपने श्री रामचरित मानस को लिखने में इतना ज्यादा तल्लीन था, इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि मुझे नहीं पता इस दीन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर बारात निकली भी होगी तो मुझे नहीं पता। माननीय पीएम मोदी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है उनके करीबी बूस्टर है आपके जीवन से कम हो चुका है। और बच्चों इसी में आखिरी बात हमारी थी, डू डेली बात, अब ना चलेगा तुम्हारा कोई बहाना। बहुत प्यार करते थे हमसे हमारे नाना, अच्छे काम करने में कभी ना शर्माना, गलत काम करने से हमेशा घबराना, मंद मंद मुस्काना, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह उठते ही धरती माता के शीश नवाना, और कैसा भी हो मौसम कैसी भी हो तबीयत, डेली 2 बाल्टी गुनगुने पानी से कंपल्सरी नहाना, स्कूल टाइम पे आना। अच्छी लगी बात, दोबारा से ताली बजाना। आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी को 10 बेनिफिट मिलते हैं। कितने बेनिफिट मिलते हैं? भारत देश में कराना पड़ा। कौन से देश में कराना पड़ा? बच्चे के माता पिता ने सोचा कि जब हमारा लाडला भारत महान देश में जा ही रहा है तो चलो इसे ऐसे भारत के स्कूल में दाखिला दिलाया जाए जहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कारों की बातें भी होती हो। तो बहुत सारे लोग जो भारत में रहते थे उनसे फीडबैक लिया, सर्चिंग की, तो पता चला भारत देश में एक बहुत बड़ा राज्य उत्तम नगर। कौन सा राज्य? उत्तम प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तम प्रदेश में एक बहुत बड़ा शहर मथुरा। कौन सा शहर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो अमेरिका का जो बच्चा हमारे भारत देश के नंबर 1 ऐसे स्कूल में 8 साल पढ़ा जहां पे शिक्षा के साथ संस्कारों की बात भी होती है, रियल इंटरनेशनल स्कूल। आठ साल के बाद ये बच्चा वापस अमेरिका गया तो उसके पापा जी ने उससे एक सवाल पूछा, बेटा भारत महान देश के नंबर 1 रियल इंटरनेशनल स्कूल में 8 साल पढ़े, वहां पे आपने क्या सीखा? पापा जी बहुत कुछ सीखा, डिफाइन करो ना क्या सीखा। पापा जी सही समय आने पर बताऊंगा। बच्चों बात आई गई हो गई। और थोड़े समय के बाद पापा जी ने अपने बच्चे को पनिशमेंट दे दी किसी उसकी गलती पे। लेकिन ये क्या पनिशमेंट लेने के दौरान बच्चे ने पापा जी को पलट के जवाब नहीं दिया, बच्चे ने रिप्लाई नहीं करा, बच्चे ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, बच्चे की निगाहें नीची थी। और देखो 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 पिटाई खाने के तुरंत बाद उस बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 घंटे बाद पापा जी का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो पापा जी अपने बेटे के पास गए, बेटा आपकी छोटी सी मिस्टेकन पे हमने आपको इतना पनिशमेंट दिया, आपको गुस्सा नहीं आया, आपने हमें पलट के जवाब नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं करा, आपकी निगाहें नीची थी। और देखो 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 पिटाई खाने के तुरंत बाद आपका बिहेवियर ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तब उस बच्चे ने जो सुंदर जवाब दिया, वो सुंदर जवाब आप सभी को ध्यान से सुनना है, और वही सुंदर जवाब हमें अपने जीवन में धारण भी करना है कि पापा जी, जो मैं भारत महान देश के रियल स्कूल में 8 साल पढ़ा, वहां पे मैंने यही तो सीखा, अपने से बड़ों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, उनका बहुत बहुत आदर करना, हमेशा उनके प्रति पोलाइट नेचर बनाए रखना, और सेम थिंग्स और मेन थिंग्स, अगर हमारे बड़े हमारी गलती पे हमारी भलाई के लिए हमें डांट भी रहे हैं तो कभी भी उन्हें पलट के जवाब, और उस समय अपनी निगाहें निजी रखना। बच्चे के मुंह से बात सुनकर पापा जी बड़े हैप्पी होते हैं और दोनों गले मिलकर जय हिंद कहते हैं, दोनों गले मिलकर क्या कहते हैं बच्चों, स्टोरी हमारी यहाँ पे खत्म और हम सभी की मॉरल लाइफ यहाँ पे स्टार्ट। बहते हुए पानी में, बहते हुए नाले में ईंट फेंकोगे तो कपड़े किसके गंदे होंगे? आपके। कभी आसपास की तरफ थूकने का प्रयास करोगे तो किसका चेहरा गड़बड़ हो जाएगा? आपका। बच्चों मैंने ऐसे करा, देखो एक उंगली आपकी तरफ है लेकिन 3 उंगली अल्टीमेटली किसकी तरफ है? मेरी तरफ है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको एक ही बात बता रहे हैं, आप सभी को लाइफ मैजिशियन बनाने के लिए। सारे बच्चे मिलकर बोल दो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। छोटा बड़ा बराबर का, कॉलोनी का चौकीदार, घर में काम करने वाली बाई, सफाई करने वाले भैया, मम्मी पापा, भैया बहन, दोस्त नाते रिश्तेदार, राह चलते अजनबी, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, गेस्ट टीचर, सपोर्टिंग स्टाफ, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, घर पे आके पढ़ाने वाले टीचर, स्कूल फेलो, क्लास फेलो, दोस्त, कजिन्स, कोई भी हो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। बच्चों मिनट बचे हैं, 3 बात रह गई आखिरी, क्योंकि आज अगर हमने आपको तीसरा बूस्टर नहीं दिया तो हमारा यहाँ पे आना अधूरा माना जाएगा। सारे बच्चे मिलके बोल दो एक बार जोर से, पाना है तो देना सीखो, पाना है तो देना सीखो। अब आप सब छोटे भैया बहनों के मन में एक सवाल है, सौरभ भैया आप तो दूर दिल्ली से आके यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सकता है आप पैसे भी कमा रहे होंगे, लेकिन हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, हम तो पैसे नहीं कमा रहे। अरे जब हम पैसे नहीं कमा रहे तो भला हम किसी को क्या दे सकते हैं? बच्चों आप पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मीठा तो बोल सकते हो या मीठा भी नहीं बोल सकते, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हुए। इतना मीठा बोल रहा है बच्चों कि सेहत भी शर्मा जाए। जब क्लास में टीचर पढ़ाए तो शांति का दान तो दे सकते हो, चेहरे पे स्माइल तो रख सकते हो, घर पे कोई गेस्ट आता है उसको पानी चाय बिस्कुट तो सर्व कर सकते हो। मेरी थाली में 5 जलेबी है, साथ में मेरी माँ बैठी हुई है, खुद खाओ 2 जलेबी और अपनी माँ को खिलाओ 3 जलेबी। मेरे पास 2 कटोरी खीर है, साथ में मेरे पापा जी बैठे हुए हैं, खुद खाओ छोटी कटोरी खीर और पापा जी को खिलाओ बड़ी कटोरी खीर। मेरे पास 3 लड्डू है, साथ में मेरा भाई बैठा हुआ है, खुद खाओ 1 लड्डू और अपने भाई को खिलाओ 2 लड्डू। मेरे पास 2 आम है, साथ में मेरी बहन बैठी हुई है, खुद खाओ छोटा आम और बहन को खिलाओ बड़ा आम। मेरे पास 11 पार्ले जी के बिस्कुट है, साथ में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, खुद खाओ 5 पार्ले जी के बिस्कुट और अपने दोस्त को खिलाओ 6 पार्ले जी के बिस्कुट। बच्चों मेरे पास 2 समोसे हैं और दोनों समोसे मुझे ही खाने हैं, दोनों समोसे। अचानक से तो गेस्ट मेरे घर पे आ गए तो वो दोनों समोसे उन दोनों गेस्ट को खिला दीजिए, वो मना करेंगे आपसे फिर भी उन्हें खिलाओ आग्रह पूर्वक और खुद मटके का पानी पी के रह जाओ। बच्चों उस समय तकलीफ होगी आपको, क्या होगी उस समय आपको, लेकिन आफ्टर 22 मिनट्स आपको जो खुशी मिलेगी, आपको जो रियल हैप्पीनेस मिलेगी, आपको जो तवरुफ मिलेगी, आपको जो मन की वैक्सीनेशन मिलेगी, उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गमलों में पानी डाल दो, पेड़ पौधों की सिंचाई कर दो, मम्मी के पास किचन में जाके उनकी हेल्प कर दो, पापा जी जब रात को ड्यूटी करके घर लौटे उनके पैर दबा दो, बड़े भाई के लिए बाजार से ब्रेड ला दो, छोटी बहन को थोड़ी सी स्टडी करा दो, अम्मा बाबा के पास बैठकर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लो, घर में कोई गेस्ट आ जाए उसकी सेवा सत्कार वेलकम में अपने आप को बिछा दो, अंधे को राह पार करा दो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, किसी गरीब की यथासंभव मदद कर दो, आटे में चीनी मिला लो, चींटे चींटियों को डाल दो, गाय माता को रोटी खिला दो, कुत्ते को बिस्कुट खिला दो, पूरे घर की सफाई कर दो, पूरे घर के मकड़ी के जाले साफ कर दो, पानी की टंकी घर पे या राह चलते खुली दिख जाए तुरंत उसे बंद कर दो, राह पे जो पत्थर पड़ा है उसको साइड में हटा दो, और आज से अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। बच्चों मैं सौरभ जैन हूं, बताओ किसका धन्यवाद? मेरे पेरेंट्स का। किसका धन्यवाद? लेकिन आज हम इतने सुंदर विद्यालय में आप सबके सामने 2 शब्द कह रहे हैं, माफी चाहूंगा 2 शब्द नहीं 4 शब्द हो गए आज तो किसका धन्यवाद? मेरे उन सभी टीचर्स का धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्ले स्कूल में पढ़ाया। कहां पढ़ाया? प्ले स्कूल में, स्कूल में, इंटर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिप्लोमा कोर्सेज में, एनजीओ में, कोचिंग सेंटर पे, मेरे घर पे आके, छोटी छोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों में,
छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग वर्कशॉप में, अगर वो सारे टीचर्स मेरे जीवन में समय समय पर ना आए होते तो क्या आज हम आपके सामने दो शब्द बोल पाते? ना बोल पाते। तो जो हम हैं हमारे पेरेंट्स का